हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार सिंह आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैमिली में। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, लाइफ प्रोग्रेस कर रहे होंगे। मेरे पास एक सवाल आया जिसके अंदर मुझसे पूछा गया कि भाई फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज हम जब भी अपना फ़ोन रिबूट करते हैं या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में हम क्यों नहीं कर पाते, वो भी तो हमारा ही फिंगरप्रिंट का डेटा है, हमारा ही फिंगरप्रिंट हम लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उस टाइम भी वो फ़ोन अनलॉक हो जाए। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो एक डिजिटल सिग्नेचर है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि साइन नहीं कर पाते वो थंब इम्प्रेशन देते हैं बैंकों के अंदर, साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड जो है उसके अंदर आपका थंब इम्प्रेशन जो है, बाकी उंगलियों का इम्प्रेशन जो है वो मौजूद होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन है, साथ ही किसी भी उंगली का इम्प्रेशन जो है वो यूनिक है, इसीलिए उसको जो है सेव करना, सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पैटर्न से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आपका ये थंब का डेटा है, अगर ये लीक हो गया तो बहुत सारे कांड हो सकते हैं, आपका अकाउंट खाली हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी फ़ोन बनाया जाता है, जब भी उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाता है तो उस केस में एक प्रोग्रामिंग की जाती है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, जब भी आप अपना फ़ोन को रिबूट करते हैं तो उस केस में आपके फिंगरप्रिंट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक आप अपना पासवर्ड नहीं डालते हैं तब तक आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का जो डेटा है उसको मैच करने के लिए उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। जैसे ही आप पासवर्ड, पिन या पैटर्न जो भी आप डालते हैं वैसे ही वो जो है अनलॉक हो जाता है। तो उस केस में आपने देखा होगा कि आप जब भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जब लॉक लगाने वाले होते हैं वहाँ पे, जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो उस केस में आपको बोला जाता है कि चारों साइड जो है घुमा के डालने के लिए, यानी अगर ये फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं, तो आपको बोला जाता है कि आपको हर साइड को कवर करने के लिए ऐसा इसीलिए बोला जाता है ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसको अपने फ़ोन को अनलॉक करें तो उसके इसमें क्या होता है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा जो है थंब लगा सकते हैं, क्योंकि वो छोटा सा सेंसर होता है, आप एक पार्ट लगाते हैं, तो उसके इसमें क्या होता है आपका छोटा सा जो पार्ट होता है उसका डेटा जो है वो जो है आपके फ़ोन के अंदर जाता है, वहाँ पे आपका पूरा जो पैटर्न है वो मौजूद होता है। उस केस में उस पार्ट को जो है आपके पूरे पैटर्न के साथ मिलाया जाता है और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपका इसी समझ सकते हैं कि आपका ये जो डेटा है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए इसको सिक्योर करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर जो है आपका ऐड किया जाता है। आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो पहले बोला जाता है कि भाई आप अपने फ़ोन का पासवर्ड डालो, क्योंकि आपका जो है फिंगरप्रिंट है वो सेंसिटिव है, डेटा सेंसिटिव है, इसीलिए उसको पैटर्न के अंदर जो है रखा जाता है ताकि एक लेयर बना रहे। दूसरा केस मैं आप लोग को बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, किसी कारणवश हमारा फ़ोन ऑफ हो गया, तो उस केस में अगर कोई दूसरा फ़ोन ऑन करता है और अगर उस टाइम पे हम सो रहे हैं तो कोई भी लगा के उसको अनलॉक कर सकता है फ़ोन को, लेकिन अगर आपका पिन होगा, पासवर्ड होगा तो उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको जो है एक लेयर के अंदर रखा जाता है ताकि जो फिंगरप्रिंट का जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, वो भी सिक्योर रहे। मैं बार बार सेंसिटिव शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में सेंसिटिव है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी जगह पे आप फिंगरप्रिंट डेटा का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को वहाँ भी सावधान रहना है कि कहीं भी आपको ऐसे डेटा नहीं दे देना है। आप लोगों ने गौर किया होगा जैसे पेटीएम का फ्रॉड होता है उसी तरह से आप फिंगरप्रिंट डेटा का फ्रॉड भी हो रहा है। ये बहुत कम लेवल पर भी हो रहा है इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसका फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग जो गाँव के अंदर रहते हैं आधार कार्ड से जाके और फिंगरप्रिंट लगा के अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं, उनके अकाउंट के अंदर से भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि वो स्कैन उसकी कॉपी बना के रख लेते हैं, बाद में उनके पास सारा डेटा होता है तो वहाँ से वो पैसे भी निकाल लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी जगह पे अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करने से पहले ध्यान से देख लें कि क्या वो ज़्यादा सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट डेटा सेंसिटिव है, ये मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। तो आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमारे फ़ोन के अंदर जो है जब भी अपना फ़ोन हम अनलॉक करते हैं, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में पहले पैटर्न या पिन मांगा जाता है फिंगरप्रिंट से पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो इस तरह की तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.